नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 17, 18, 19 और 20 मई के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। 17 मई के दिन आप एक आत्मसंतुष्टि की दशा में होंगे। आपको इस सिचुएशन का लाभ उठाना चाहिए, आनंद की स्थिति का सामना करना चाहिए और इसे एंजॉय करना चाहिए। उधेड़बुन और सामाजिक समस्याएं हमारे जीवन में हमेशा आती रहती हैं और हम हमेशा उनसे घिरे रहते हैं, लेकिन जब कभी मन में आत्मसंतुष्टि का भाव आ जाए और आप अपने आप को एक शांत मुद्रा में पाएं तो उस मुद्रा का इस्तेमाल करें स्वयं को शांत रखने के लिए, दिन को एंजॉय करने के लिए। जितना ज़्यादा 17 तारीख को आप शांत बने रहेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कम से कम देंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। आपको एक चीज़ और सीखने की ज़रूरत है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया देने से अपने आप को बचा ले जाएं। 18 मई के दिन आप अपने आप में ही कुछ ऐसा स्वाध्याय करने की कोशिश करेंगे जिससे भविष्य आपका संवरना शुरू हो जाए। आपके द्वारा की गई मेहनत का लाभ आपको मिलेगा जरूर। आप अपने उस पथ पर आगे बढ़ते रहें जिस पर आप अभी हैं और बिना रुके बिना थके आप आगे बढ़ते चले जाएं। आपका भाग्य आपके द्वारा ही बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे भाग्य उतना सपोर्टिव होगा। आप मेहनत बंद कर देंगे भाग्य का सपोर्ट खत्म हो जाएगा। 19 मई के दिन आप एकांत में रह करके कुछ ऐसा सोच सकते हैं, यानी थोड़े मोड़े एकांत का आपको अनुभव हो सकता है और उस एकांत में ऐसी सोच आपको आ सकती है कि जीवन में आपको अकेले ही सब कुछ करना है और अकेले ही आगे भी बढ़ना है। आपका सोचना सही है और अकेले भी आप बहुत सक्षम हैं, बहुत लायक हैं आगे बढ़ने के लिए, उपलब्धियां हासिल करने के लिए। जब एक बार आप शुरुआत कर देते हैं तो चीज़ों में आप जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं और अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। इस बात को मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से आपको ना निराश होना चाहिए ना हताश होना चाहिए, बल्कि अकेले भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। 20 मई के दिन हालांकि आप थोड़ा सा रुष्ट रहेंगे कुछ लोगों से और आपकी वाणी में रूखापन आ सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप या तो नाराज हैं या आज गुस्से में हैं, तो उन्हें ये सोचने दें, उनकी सोच को परिवर्तित करने की कोशिश ना करें। किसी ऐसे मामले पर जो बहुत क्रिटिकल रहा हो, आप सिचुएशन लेना चाहते हैं तो 20 मई का दिन सबसे बढ़िया है। और अगर परिवार के मामले में कोई डिसीजन लेना था तो 20 मई के दिन उसे टाल दें। प्रेम संबंधों के लिए 17, 18 और 19 तीन दिन बहुत अच्छे हैं, 20 तारीख बहुत अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 17, 18, 19 और 20 मई के लिए। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।